हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ लैब प्रोसेस का एक अलग पोर्शन। हम लोगों ने अपने फोर पार्ट्स में हमने अपना लाइव प्रोसेस का जो आपका डाइजेशन सिस्टम था वो कंप्लीट फिनिश कर लिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देन अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्या हम स्टार्ट करने वाले बच्चों लाइव प्रोसेस का एक सेकंड पोर्शन जिसका नाम है रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन के मैं यहां से पार्ट्स बनाना चालू कर रहा हूं आज से, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखते रहें प्लस कंटिन्यूअसली अपने टाइम देते रहें, ठीक है, जिससे कि आपकी क्लियरेंस हो जाए बच्चों, है ना। हमारा जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, कहीं आपका बाहर से नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, समझ गए बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, हम अपना रेस्पिरेशन चालू करने वाले हैं। सो बच्चों कंटिन्यूअसली लेक्चर्स देखना जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। बच्चों आज हम देखते हैं अपना रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बच्चों देखो रेस्पिरेशन क्या है आपका, बच्चों रेस्पिरेशन क्या है, कुछ कह रहे होंगे क्या है, सांस लेना। अरे यार सांस लेना तो है ही है, लेकिन रेस्पिरेशन भी आपका एक अलग ही है, ठीक है। क्या है आपका रेस्पिरेशन? तो बच्चों रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इनकेस हम लोग क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। बात समझ में आई? हम लोग O2 इनहेल करते हैं और CO2 क्या करते हैं बच्चों, एक्सहेल करते हैं। ये बात तो आपने अगर 6, 7, 8, 9 में पढ़ते आए हो आप लोग, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब मन में एक सवाल आता होगा आप लोगों के मन में, सवाल क्या आता होगा कि आप O2 इनहेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, O2 को इनहेल, ठीक है। रिपीट में रिलीज क्या कर रहे हो बच्चों, CO2। सी कहां से आया भाई, O2 लिया CO2 निकला, यानी कि आपका CO2 यार, O2 गया O2 आया, समझ में आया, बट सी कहां से आया। तो बच्चों सी क्या है आपका, कार्बन। क्या है आपका, कार्बन है। और कार्बन आपका कब प्रोड्यूस होता है बच्चों, जब कोई चीज कंबंसेशन से, यानी कि जल रही हो, क्या हो रही हो, जल रही हो, ठीक है। तो भैया अंदर क्या जलता है बॉडी में बच्चों, ग्लूकोज। क्या जलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जलता है, देन वो आपकी एनर्जी फॉर्म करता है बच्चों, है ना। किस तरीके से करेगा वो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। बट हम लोग O2 कैसे लेते हैं, CO2 कैसे रिलीज होती है, हम लोग वो बच्चों आज अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ, आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग देखेंगे बेसिक इंट्रो क्या होता है आपका रेस्पिरेशन का, बेसिक इंट्रो क्या होता है आपका, ठीक है। तो उसके लिए देखो बच्चों, अगर मैं आपको हल्का सा पहले कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप लोगों को मैं बता दूँ आपके एटमॉस्फेयर में, किसमें आपके बच्चों एटमॉस्फेयर में O2 का अगर लेवल अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों O2 आपके होते हैं कितने, 21%, जो आपका रेशियो दिया गया है, कितनी परसेंट होती है बच्चों एटमॉस्फेयर में आपके O2, 21%, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो, आप नाइट्रोजन का लेवल अगर देखोगे आपके एटमॉस्फेयर में, जो नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन का जो लेवल है वो होता है बच्चों कितना, 78%। कितना होता है बच्चों, 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है आपकी, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और बच्चों CO2 का लेवल है आपका 0.03%, ठीक है। बाकी क्या 1% आपकी बच्चों क्या होंगी, अदर गैसेस, क्या होंगी, अदर गैसेस, ठीक है। तो ये एक रेशियो है आपका, है ना, जिसमें हमारे लिए जो मोस्ट वैल्यूबल गैस है वो कौन सी आपके बच्चों, O2 है, ठीक है। रिपीट में हम लोग क्या रिलीज करते हैं बच्चों, CO2 करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में O2 की क्या हो रही है बच्चों, कमी हो रही है, ठीक है। प्लस CO2 का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि देखो हमें जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, हमें O2 का इनहेल होता है, CO2 का क्या होता है, एक्सहेल होता है। बच्चों प्लांट्स में इसके अपोजिट होता है ना, प्लांट्स में कैसे होता है, वो क्या करते हैं बच्चों, CO2 इनहेल करेंगे और O2 एक्सहेल करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे बच्चों, प्लांट्स होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो O2 का लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स को हम लोग डे बाय डे ब्रेक करते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं आपके प्लांट्स, है ना। उनकी जगह पे हम लोग बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, उसकी वजह से प्लांट्स बच्चों कट रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान लेके भी आती है इस चीज़ के लिए, हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी नीड को पूरा करने के लिए एक प्लांट को काट रहे हो, तो कोशिश करो कि उसकी जगह पर 2 प्लांट आप बच्चों लगा सको, ठीक है, जिससे कि आपका O2 का जो लेवल है प्लस आपके जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो आपकी कंप्लीट अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। तो बच्चों देखो चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन आपका क्या होता है बच्चों, देखो सुनो, इंट्रोडक्शन में कह रहा है वी नीड टू ब्रीथ, हमें जरूरत होती है किसकी, ब्रीथ की।
इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एक तरीके से जीने के लिए, बच्चों किसके लिए, जीने के लिए हमें किसकी जरूरत है, ब्रीथ की जरूरत है। एंड फॉर दिस, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वी टेक इन ऑक्सीजन, क्या लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन ओ टू इनहेल करते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बच्चों क्या रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। यही बताया मैंने, कुछ अलग तो नहीं बताया बच्चों मैंने आपको, बताओ कुछ अलग बताया क्या? मैं हल्का सा एक डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़े से और मैं क्लियरेंस करके बता सकूँ, जिससे कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? तो मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ मेरे प्यारे से बच्चों के लिए, ठीक है? और हाँ बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखो, देखो आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे व्यूअर तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं बच्चों, है ना, गलत बात है ना। आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो आपका एक काम बनता है कि आप बच्चों सब्सक्राइबर तो बढ़ा सकते हो, जो बेल आइकन आपका होता है उसको आप प्रेस कर सकते हो, जिससे कि हमारी कोई भी अगर लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा, ठीक है? और जिससे कि आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है? कोई भी पार्ट आपका स्किप नहीं होगा, है ना बच्चों? तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखो और कोशिश करो वीडियो को जिसके पास ही बच्चों ये वीडियो पहुंचे आप लोग शेयर करने की कोशिश करो, आपके फ्रेंड सर्कल में जो टेंथ में बच्चे उनके पास, ठीक है? जिससे कि आप इसको वीडियो को शेयर करोगे तो उनको भी आएगा, कहीं तक हेल्प मिलेगी। चलो बच्चों डायग्राम हमारा कहीं तक बन गया, ठीक है? तो बच्चों मैंने डायग्राम बना दिया है कहीं तक, ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका डायग्राम। तो देखो बच्चों ये रेस्पिरेशन का डायग्राम बना दिया मैंने, ज्यादा अच्छा नहीं बनाया लेकिन ठीक है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है? तो देखो बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए होता है, ब्रीथ करने के लिए इन ऑर्डर में हम लोगों को ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रिलीज करते हैं, ठीक है? अच्छा और क्या कह रहे हैं, मैनी टाइम्स, बहुत बार क्या होता है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ टर्म आर यूज्ड एज अ सिनोनिम्स, दोनों टर्म को यूज करते हैं हम लोग एज अ सिनोनिम्स की तरह पे, ठीक है? बट इन एक्चुअल बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग, बट दोनों का ही मतलब क्या है बच्चों, अलग अलग है। दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है, ठीक है? रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है, बट बच्चे सोच रहे होंगे अरे क्या दोनों का मतलब एक ही तो है, बेटा दोनों का मतलब एक नहीं है, दे हैव टू बी अ डिफरेंस, क्या इनके बीच में डिफरेंस है बच्चों, ठीक है? देखो सुनो, ब्रीथिंग आपने डॉक्टर्स को सुना होगा, जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स कि डीप ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, है ना? ऐसे तो नहीं बोलते डीप रेस्पिरेशन करो, नहीं बोलते ना, वो क्या बोलते हैं, डीप ब्रीथ करो, है ना? तो ब्रीथ जो है आपका वो नॉर्मल आपके एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों। कैसा प्रोसेस है आपका, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें सिर्फ आपको बोला जाता है कि बच्चों इनहेल करो O2 और एक्सहेल करो CO2, इनहेल करो O2 और एक्सहेल करो CO2, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों आपका, समझे? ठीक है, तो ब्रीथिंग तो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो है ही आपका, प्लस अगर हम लोग बात करते हैं आपका एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बच्चा, जो आपका एज अ रेस्पिरेशन है वो आपका एक कैसा प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बच्चों, है ना? उसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी O2 है वो कंप्लीट आपकी सेल तक पहुंचती है बच्चों, है ना? एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें O2 आपकी कहां पहुंचती है, सेल तक पहुंचती है आपकी, ठीक है? जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों आपका, ठीक है? तो देखो सुनो, मैं दोनों का डिफरेंशिएट करके देता हूं आपको कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बच्चों क्या डिफरेंस है, है ना? तो देखो सुनो, अगर ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ब्रीथिंग क्या है बच्चों आपका, इट इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग प्लेस O2 एंड गिविंग आउट CO2, ठीक है बच्चों? तो आपका जो ब्रीथिंग है वो आपका क्या है, नॉर्मली एक सेलुलर प्रोसेस, सॉरी सेलुलर नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ आप O2 को इनहेल करते हो, CO2 को एक्सहेल करते हो, और आपका रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, कंप्लीट प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कंप्लीट आपका, या फिर आप अपने वे में कह सकते हो कि ये बच्चों आपका क्या है, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बच्चों बोल सकते हो इस बात को आप लोग, है ना? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप क्या करते हो, O2 inhale CO2 exhale, O2 inhale CO2 exhale, ठीक है? जबकि अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हो तो रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है बच्चों, कैसा प्रोसेस, सेलुलर, जिसमें आपकी O2, आपकी जो O2 है वो नॉस्टल्स, नॉस्टल्स दो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी एज अ नेजल मतलब नाक की कैविटी मतलब स्पेस, ठीक है बच्चों, नेजल कैविटी, देन आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, विंडपाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, देन एल्विओलाई, समझे बच्चों, ठीक है? देन एल्विओलाई, एल्विओलाई के नीचे होती है आपकी ब्लड कैपिलरीज, और उसके नीचे होती है बच्चों आपकी सेल्स, ठीक है? तो ब्लड कैपिलरीज उस O2 को लेके जाती है सेल्स के पास, और वहां पे आपका ग्लूकोज टूटता है आपका
C6H12O6 आपका ब्रेक होगा CO2H2 और एनर्जी में बच्चों, है ना। तो एक सेलुलर प्रोसेस है जिसमें O2 सेल तक जा रही है, उसको बोलेंगे बच्चों रेस्पिरेशन, ठीक है। इन डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत अच्छे से बताएंगे इस चीज को, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि ब्रीथिंग इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैस है बच्चों, टेकिंग प्लेस O2 एंड गिविंग आउट CO2। जबकि अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो इट इज अ इनटेक ऑफ O2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, O2 इनटेक करते हैं एंड यूजिंग इट फॉर ऑक्सीडेशन। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। वो ब्रेक होगा आपका ऑफ फूड एंड गिविंग आउट CO2। एक रिएक्शन करके दिखाई देता हूं मैं इन शॉर्ट आपको, देखो जैसे कि O2 पहुंचेगा आपका रेस्पिरेशन में, यहां पे बच्चों क्या हुआ, C6H12O6 एंड दे हैव टू बी अ ब्रेक इनटू, किसमें ब्रेक हो जाएगा बच्चों, CO2H2O प्लस बच्चों किसमें, 38 ATP, यानी कि एनर्जी के मॉलिक्यूल है, क्या बच्चों आपके एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, है ना। तो सेल तक जा रहा है भाई, कहां से जा रहा है, सेल तक का प्रोसेस है आपका, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, देखो मैं ही मैंने बोला फिजिकली प्रोसेस तो है, नॉर्मल आप बोल सकते हो किसे, ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, बोलते हैं ना, तो नॉर्मल क्या है, फिजिकल प्रोसेस आपका, जिसमें आप O2 लेते हो CO2 इनहेल करते हो, O2 लेते हो CO2 इनहेल करते हो, ठीक है। तो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है, बट बच्चों ये कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, इसलिए कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस बच्चों, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है इसमें, होगी भी कहां से यार, कहां से होगी आप बताओ, कहां से होगी, आपको किसी ने बोला O2 लो CO2 छोड़ो, कौन सी केमिकल प्रोसेस होगी यार, नहीं हुई ना। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देखो साफ साफ ये दिख रही है एनर्जी, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, नो एंजाइम आर इन्वॉल्व, ओ कोई एंजाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरह का कोई एंजाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रही वहां पे, एंजाइम तो वहां यूज करोगे ना, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो एंजाइम कहां पे यूज होगा, एंजाइम आर इन्वॉल्व बच्चों, रेस्पिरेशन में केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो एंजाइम के प्रेजेंस लोगे, जिससे कि एंजाइम एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो रिएक्शन को इनहेंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जल्दी से जल्दी कराते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट, नॉट अ सेलुलर प्रोसेस, सही बात है, सेलुलर प्रोसेस है का, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आप क्या कर रहे हो इसमें, O2 इनहेल CO2 एक्सहेल, O2 इनहेल CO2 एक्सहेल, तो सेलुलर प्रोसेस है ही नहीं। जबकि ये आपका कैसा प्रोसेस बच्चों, सेलुलर प्रोसेस है। इस पॉइंट को अगर आपको और अच्छे से देखना है तो बच्चों हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसमें आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे आपके सेलुलर से आपके एक्सचेंज होता है बच्चों आपका, ठीक है। अब मैं आपको देखो सुनो, ये तो आपका कंप्लीट फिनिश हो गया है ना, हल्का सा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से कि O2 बच्चों क्या होती है आपकी, इनहेल होती है, CO2 बच्चों क्या होती है आपकी, एक्सहेल होती है। CO2 का इनहेल होना, O2 का एक्सहेल होना बच्चों क्या कहलाता है, ब्रीथिंग, क्या कहलाता है, ब्रीथिंग, ठीक है। और रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो O2 पहले कहाँ पहुँचेगी बच्चों, आपकी नेजल नॉस्ट्रल्स, जो होल्स हैं आपके बच्चों को क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रल्स से नेजल कैविटी कहाँ पहुँचेगी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, से लैरिंग्स, से ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई, ठीक है। और एलग नीचे बच्चों क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरी कहाँ लेके जाएंगे बच्चों, सेल के पास, और सेल में कौन है, ग्लूकोज, O2 पहुंच गई, टूट जाएगा CO2H2 और एनर्जी में, तो सेल तक जा रही है O2 रेस्पिरेशन में, इसलिए बोलते हैं कि रेस्पिरेशन क्या बच्चों, आपका सेलुलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है आपका, सेलुलर प्रोसेस है। प्लस दूसरी बात एक और बात पे ध्यान देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बच्चों आप बोल सकते हो कि ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बात खत्म, ठीक है, सीधा बोल दिया करो। अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो आप सीधा बोल दो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, सेलुलर प्रोसेस, एंड द ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सुनो मत किसी की, डायरेक्ट आंसर दो उसे, समझे। चलो तो बच्चों आज हमारा अपना यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो थैंक यू सो मच।